नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके मेष राशि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आज एक खुशियों से भरा दिन है नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो वो पूरी होगी खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया अवसर मिलेंगे आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखता है तो दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज और सकारात्मक मानसिकता से करें आज अगर नौकरी करते हैं किसी से कोई गलती हो जाए तो उनको माफ़ करना मत भूलिएगा और किसी भी व्यक्ति से बहस मत कीजिएगा अच्छा नहीं है आपके लिए गुप्त विरोधी आज आपके बारे में अफवाह फैला सकते हैं तो अपने लिए कामों की लिस्ट पहले से तैयार रखें एक एक करके कार्य करते चले जाइए अनावश्यक चीज़ों में मत उलझिए नहीं तो समय नष्ट होगा बर्बाद होगा जीवन साथी के साथ बढ़िया वक्त बीतेगा शासन सत्ता का सपोर्ट भी आज प्राप्त होगा और आज लंबे समय से चली आ रही मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा कहीं फंसा हुआ अटका हुआ धन है वो भी प्राप्त होने के योग है प्रयास जरूर कर ले पारिवारिक जीवन में सुख शांति है इस समय आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में अपार सफलता दिख रही है तो मेहनत करते रहिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए और आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ रिश्ता और मजबूत होगा व्यवसाय भाई अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तब समय सुबह आज आनंदित वक्त बीत रहा है पार्टी पिकनिक का आनंद भी लेंगे और मित्रों से मुलाकात की संभावना है लेकिन दिन की शुरुआत में चोट चपेट से बचिएगा और व्यापारी भाइयों को खासकर ध्यान बनाए रखें हर तरफ तो बढ़िया रहेगा दिन की शुरुआत में सगे संबंधियों के साथ तालमेल बनाकर रखें वाणी पर कंट्रोल रखें जो भी बोले सोच समझ कर बोलें और जब तक कार्य पूरा ना हो जाए किसी को ना बताएं कार्य क्षेत्र में झूठे आरोप लग सकता है और इस समय आपको सफलता मिल रही है तो अपने ऊपर भरोसा रखें, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होता दिखेगा विशेष आकर्षण आप में रहेगा और सबका आप प्रिय बने रहेंगे जमीन जायदाद के मामलों में फैसला आपके पक्ष में दिखता है और पिता के आशीर्वाद से सम्मानित व्यक्ति के द्वारा आज सम्मान बढ़ेगा थोड़ा सा शाम के समय अपना ख्याल ज़्यादा रखिएगा क्योंकि हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो योजना बनाकर कार्य करें हर कार्य बनेगा और व्यवसाय भाई हैं तो इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो बाकी बड़ा टेंशन नहीं है पिता के साथ जब बातचीत आप करते हैं तो आपको हर समस्या का समाधान प्राप्त होता है ये बात तो आपको मानना होगा शुभ रंग रहेगा आज के दिन सुनहरा भाग्य साथ निभाएगा पचासी प्रतिशत अंक पाँच है तो थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करें थोड़ा मस्ती करें थोड़ा खेलें कूदें ताकि फिट भी रहें प्रेम जीवन खूबसूरत है एकदम से मधबोसी में रहेंगे पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिएगा नहीं तो बाद में पछताना होगा वैवाहिक जीवन ठीक है फिलहाल आपसे विदा लेते हैं लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लेखें धन्यवाद